देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार सड़कों पर कूड़ा कचरा फैला हुआ जगह जगह देखने को मिल जाएगा। नगर आयुक्त विजय कुमार ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है। निगम के कर्मचारियों को भी साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि शहर भर में कूड़े कचरे के ढेर न लग पाए। देहरादून शहर में प्रसिद्ध झंडा मेला भी लगता है, जिस वजह से लाखों की तादाद में श्रद्धालु देहरादून शहर की तरफ आगमन करते हैं। नगर आयुक्त विजय कुमार ने बताया कि शहर में झंडा मेले के पश्चात गंदगी होना लाजिमी है, परंतु नगर निगम अपनी तरफ से पूरे प्रयास हर दिन करता है। 15 से 20 दिन के अंतराल में नगर निगम की तरफ से देहरादून शहर को साफ सुंदर कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने सभी कर्मचारी को निर्देश दे दिए हैं। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। के अंतर्गत कूड़ा उठाने हेतु जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, इसमें कर्मचारी संख्या और गाड़ियों का आवागमन की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि कर्मचारी कम है और व्यवस्था अधूरी है। उसको देखते हुए अभी हम लोग टेंडर करने जा रहे हैं, जिससे का प्रक्रिया जो है हमने पूर्ण कर लिया है और हो सकता है कि अगले 15-20 दिन के अंदर जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो फाइनल हो जाएगा और एग्रीमेंट के पश्चात जो नई कंपनी है वो अपना काम शुरू कर देगी। उस संबंध में हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और जब नई कंपनी अपना काम शुरू कर देगी तो एक प्राइवेट प्लेयर के आने के वजह से कूड़ा उठान में और इसके प्रबंधन में अच्छी व्यवस्था होने की संभावना है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।